सुहेल और अरुषा की टीम जीत गई है। प्रिंस और प्रिंसेस हैं आप अकार जाएंगे। लग रहा था सुहेल आप प्रिंस बन जाएंगे? कर भाई बिल्कुल नहीं लग रहा था, इसलिए कि ये दोनों माशाल्लाह बहुत ही हैवी किस्म के बंदे हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग तरीन कंटेस्टेंट हैं। बिल्कुल दोनों, और दोनों की बहुत अच्छी टीम थी। 10,000 रुपए कैश सुहेल और अरुषा को मिलते हैं। हिम्मत दिखाइए और आप सब ये याद रखें कि प्रिंस और प्रिंसेस की रिस्पेक्ट करना आप लोगों का फर्ज है। नहीं करेंगे तो ये गेम कर जाएंगे, वरना इतने आगे आके किसी की पॉलिटिक्स की नजर हो जाओगे। आपसे मुलाकात होगी कंफर्ट जोन में। प्रिंसेस बन गए फिर अरुषा और प्रिंस सुहेल छपड़ गंजू। मैंने सोचा कि कुछ भी नहीं कराएंगे, हम ही पहले की तरह मेकअप करवा दें। कोई नहीं होगा। तेरी तो आज हर गई है बेटा, तेरी लेनी है बहुत उसने आज रूसा ने। किस तरह लगी इसको लेने का? बात है इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, बिल्कुल की, बहुत की। ऐसा पाड़ू किस्म का ढेर दे रहे थे अपनी बहादुरी का किस्सा सुनाती। एक दफा का जिक्र है, जब मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, फिजिक्स का मेरा पेपर था, मुझे पेपर याद होने के बावजूद समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। नोट्स जो है इधर से देख के पेपर कर ले। मैंने टीचर से कहा मैं नहीं चाहती कि मैं बेईमानी और बेईमानी करके एग्जाम को क्लियर करूं। मैं आपकी इस ऑफर को ठुकराती हूं, आपका काम है जो चीटिंग कर रहे हैं उनको रोके। सुना रही मुझे लिखने दो। इंजीनियरिंग मुझे पेन कापी लाने दो, मुझे लिखने दो। मैंने फिर 7C में 5-5 रुपए की पेन दो, पेन तो जल्दी करो। तेरे बसते शहरों पर ये कैसी अवतार ठाई है? 5 रुपए की दाम, 5 रुपए की दाम, 5 रुपए की दाम, 5 रुपए की दाम। अपनी कॉपी बुक कराए कावा जाम की जंग के बाद पहली बार कावा जाम। खाला तो जिंदाबाद। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। एक बंदे ने भी आगे मुझसे कोई बात की, कुछ भी नहीं। अच्छा बोल रहे सारे कौन नहीं होना चाहिए जी? प्रिंस और प्रिंसेस, सुहेल और अरुषा। सुहेल और अरुषा, क्यों क्यों ये भी बताओ क्यों सुहेल और अरुषा का नाम किया सबने? मुझे क्या पता, मैं बताऊं? हाँ, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि अरुषा को दोबारा हम प्रिंसेस बना हुआ देखें। तूने एक चीज नोट की? आज हमारे फाइनल तक पहुंचे, अरसनाल हमारे पीछे आ रहा था। तूने फिर क्या बोला उसको? नहीं मैंने कहा था वो कर लेंगे। नहीं तुम बताओ हिलाना कब है? मेरे पास ऐसा कह रहा है आप बताए डंडा हिलाना कब है? मैंने कहा जब आपका मूड करा हिला दे रहा। नहीं तुम बताओ कब हिलाना है, मैं ऐसा करूंगा कि हिला भी लूंगा और इस तरह तुम लोगों को लगे नहीं। ठीक है, वो मैंने कहा बड़े सांसदार बैठे हुए हैं यहाँ पे। अरुषा ने मुझे कमरे के बाहर बुलाया तो मैं समझा कि वो ये बोलेगी कि मैं तुम्हें निकाल दूंगी तो तुम मुझे माफ कर देना फलाना डमा। भाई जाओ ना यहाँ से, मैं उसे पर्सनल बात कह रही हूँ। उस बंदी ने बाहर आके मुझे बोला कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। प्रिंस और प्रिंसेस आ जाएं।
روسا کے لیے تو تالیاں ہونی چاہیے دوسری دفعہ دوبارہ پرنسس پرنس بن کے کیسا لگ رہا ہے کافی لوگوں نے بتایا کہ آپ معافیا مانگ رہے تھے یار دیکھو میں کچھ کرانے لگا ہوں پلیز مجھے معاف کر دو ورنہ وقار بھائی نکال دیں گے وقار بھائی پہلے تو یہ بات کلیئر کرے کوئی کہ میں نے کس سے معافی مانگی ہے ارسلان آپ کہہ رہے تھے مجھے کیا بولے کیا کہا یہی کہا تھا کہ یار صبح جو بھی ہوا ٹھیک ہے میں سوری بولتا ہوں جو تمہاری میری اونچی نیچی ہوئی اور میرا مقصد یہ نہیں تھا کچھ کہنے کا آج اگر میں تمہیں کچھ بول دوں گا نا تو اس کا مائنڈ نہ کرنا یہ میں نے یہ نہیں چاہتا کہ آگے جا کے ہمارے خواہ نکلے آپس میں گھر میں پہلی بات یہ ہے کہ جب وہاں پہ ہم ڈیر کر رہے تھے تو وہ بال کو ہلانا تھا کوئی بندہ آگے نہیں بڑھا یہ بندہ آگے بڑھا ٹھیک ہے اس نے ایک طرف سے مجھے اشاروں میں سیٹسفائڈ کیا کہ فٹ اٹینشن نہ کر اوپر سے یہ میری لٹ ہے کھچ یہ چپ ہے ٹوٹلی چپ ہے تو آپ کیوں معافی مانگ رہے تھے نہیں وقار بھائی آج بھی یہ میرے کمرے میں پانچ منٹ ٹائم دیا یار چپ ایک منٹ مجھے بولنے تھے ایک منٹ تو بولا نا ابھی مجھے بولنے آپ نے بات کر ابھی مجھے بولنے ٹھیک ہے بیکار کی باتیں ختم جی پرنس سے شروع کریں گے کس سے کیا کروانا ہے آپ نے وقار بھائی ایک کوشچن ہے پہلے آپ سے آپ نے ہمیں پرنس تو بنا دیا نا ادھر تو آیا آپ اپنی پاورز ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی کروا سکتے ہیں ان سے میں نے آپ کو اپنی پاورز دی ہیں جب ہی آپ بیٹھے ورنہ اس سیٹ کا کوئی مقصد نہیں ہے میں خاموش رہوں گا پاورز آپ کے ہاتھ میں آپ چاہیں کچھ بھی کر کے ان سب کو الیمینیٹ کر سکتے ہیں اختر کان پکڑ لیے تھے ذرا ادھر منہ ادھر کر کے نہیں نہیں مرغا بن پاؤں تھوڑا کلوز کریں ارسلان کتے ادھر آ جا کتے ادھر آ جا ذیشان کتے ادھر آ جا ادھر آ جا بچیوں کا میرے منہ سے سنتا ہے کرنے کے لیے آ رہے یہاں پہ آ جا کتے تجھ پہ انٹرسٹ نہیں ہے مجھے پٹھان ادھر آ ادھر سامنے آ جاؤ تم ابھی بات سن لو ایک دوسرے کی طرف منہ کر لو تو آگے جانا بول ادھر آ ادھر آؤ تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں چل نکل جاتا چل نہیں آتا تم نہیں آتا اٹھا لے پھر اچھا اٹھا لے نہیں آتے اٹھا لے بڑا تم ویسے کے کمرے میں گھس کے لیٹے ہوئے ادھر نہیں آ سکتے تیرے درجے گھسا رہے ہیں یار ارسلان چل چپ کر اوے ہے تو سالا ہے ایک نمبر کا مجھے صرف نا جی چاہیے اس لیے ادھر تو آیا ہے آتا ہے کہ نہیں ادھر چل چل ادھر آ نہیں آنا میں کہہ رہا ہوں ادھر ادھر آ لڑکیوں کے پیچھے جا سکتا ہے صرف لڑکیوں کے پیچھے جا سکتا ہے اور کوئی نہیں کام ملا ابھی تو کہہ رہا تھا بڑا تو صفائیاں دے رہا تھا مجھے چل ٹھیک ہے تو بیٹھ ادھر تو بیٹھ تجھے دیکھ لوں گی میں کیا کر لوں گی تجھے ہاں جا جا پکڑ لے ذیشان ادھر آ دے ذیشان اور الطاف سامنے آؤ بات سن لو الطاف اس کو چپیڑ اتنے زور سے مارنی ہے الطاف یہ ہلنا چاہیے اگر ہلانا نا تو تو پرابلم میں اور ذیشان اگر تو ہلا تو تو پرابلم میں پاؤں نہیں ہلنے چاہیے اپنی جگہ اگر تھوڑا سا بھی ہل گیا تو پرابلم میں یہ ذہن میں رکھنا کتا بولتا ہے منہ میں کیا بولتا ہے سر بولنا اگر جس طرح مرضی مار تو ادھر بول جگہ میں ہلانے چاہیے پاؤں جوڑ لے چل چل تو کیا اختر اٹھ جا ذرا ماشا ادھر آ ذرا تو آگے پیچھے نہیں کرنا ذیشان منہ سیدھا کر چل الطاف پاشا صاحب انہیں اس کو سٹ اپس کرو کندھے پہ اٹھانا ہے ذیشان آپ یار اٹھک بیٹھک کرو جلدی کرو
शट अप करो चल ना जल्दी तू भी तुझे जो बता रहा हूं क्या बताएं क्या टाइम लिमिट बताएं करते रहो जल्दी कर बहुत अकड़ आ गई है अपना पाशा एक बात सुन ले मेरी गौर से कल जो तुमने बकवासियत खेली वो सब मुझे पता है इसने तुझे कंधे पे उठाना है कि जो तुमने बकवासियत खेली है उसने उठा मैंने जो तुमने कहा था अगर उसने उठा लिया प्रॉब्लम में हो जाएगा मैंने तुझे कहा थी तो अरूसा का आइडिया तो जो तुमने औकात दिखाई थी वो सब पर बैठा इधर और अख्तर आइडिया था ना उन्हें इसको गिरने नहीं देना है अगर ये नीचे गिर गया तो करना ही नहीं ये तो मैं कर लूंगा तो करो जेन में रख ले चल पाशा अगर इस इंसान कुत्ते बड़ी तेरी बोलती इधर बंद हुई है पीछे तो बड़ी बकवास करता है ओए हेलो मौसु से बात करने की ताकत नहीं है आजा हेलो आजा मौसु से लोगों के बात कर चल 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 ओवर के पीछे दौड़ता है उसको मर्द और तेरी औकात मुझे सब पता है ठीक है ना और तेरी कोई औकात नहीं है इधर आओ और तेरी औकात मुझे सब पता है ठीक है ना और तेरी कोई औकात नहीं है इधर आओ इधर आ अगर तेरी औकात है ना ओके ले जा मुझे तो इधर आ चल चल इधर आ ना अख्तर इधर सामने आ जा अख्तर कान पकड़ जरा तू पाशा इसकी इतने जोर से लात मारनी है कि ये आगे से नीचे जाना चाहिए ये ज़हन में रखना और अख्तर तूने हिलना नहीं है चल प्रॉब्लम में हो जाएगा ऊपर गिराना करने जितना कर सकता है उसे क्या वो होगा ऊपर निशान चल चल जल्दी कर जल्दी कर साहब जाके बैठ जा अभी आप एक मिनट के लिए बैठ जाओ ठीक है अरसलान वैसे यार कोई लड़की वैसे तुझे ऑफर मारती तो तू आ जाता इधर ऐसे ही है ना तो ये तो टोटली हुआ ना लड़कियों को मरे आता हूँ तो नहीं आता इधर किसमें सी बात पे नहीं आता ठीक है एक मिनट क्या कचरा बोल रहा है बैठो नमान पाशा और निशान जी किसी और से कुछ कराना है आपको अरसलान कुत्ता इधर आए मुझे पता है तेरी औकात हाँ तू करने ही है तू तो करने ही है यार वैसे तू लड़कियों से ही कर सकते हैं ये शो तेरे लिए तो ये शो डेयर में यही है ना तू तो करने ही है तू अपनी औकात भौंकी जाओ भौंकी जाओ तुम सिर्फ भौंक सकती हो भौंकी जाओ दूसरे चलो तेरे बाप का शो नहीं है अरसलान आपने आना है मैं नहीं आ रहा घर भाई अरूसा आप किसी लड़की से क्यों नहीं कुछ करा रही क्योंकि लड़कियां सेव होंगी मैं लड़कियों की जो पावर है गर्ल्स पावर वो आगे तक जाएगी ये लड़के सारे पॉलिटिक्स फैला रहे हैं लड़कियां यहाँ पे खत्म होती जा रही है ये लोग समझ रहे हैं कि हम यहाँ पे सारे के सारे लड़के बैठे हैं लड़कियां चली गई हैं गर्ल्स पावर होगी इस शो में सिर्फ गर्ल्स पावर चलेगी और कोई भी नहीं चलेगा देखती हूँ कौन लड़की को निकाल के दिखा सकता है क्यू कार्ड जी सुहेल और अरूसा आपस में एक दफा देख लें किसको निकालना है बारह क्यू कार्ड इनके हाथ में दे दो जो लोग यहां बैठे हैं पहले उनके वोट देख लेते हैं पहला वोट अरूसा दूसरा वोट अरूसा तीसरा वोट अरूसा सुहेल सुहेल को ये किसने लिखा हुआ नीचे अरसलान लिखा अच्छा अरसलान ने सुहेल का नाम लिखा हुआ सुहेल का नाम अरसलान ने क्यों लिखा बस काफी प्यार आ गया था मुझे उसके ऊपर तेरी शक्ल है मेरे से प्यार करने वाली तेरी शक्ल है तेरी शक्ल है इस तरह की तेरी तो कुत्ते से ज्यादा बदतर शक्ल है तेरी शक्ल है सुहेल का एक और नाम सुहेल का एक और नाम सुहेल का एक और नाम फिर सुहेल 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 सबने सुहेल को वोट आउट कर दिया कैसे कर भाई
सबको लगता है कि डेयरिंग बंदा है। मैं कुछ कहना चाहूंगा इस मामले में। देखिए मैं सुहेल से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उसकी तो नेचर ही है, ये वो अपना शो कर रही है। चल ना, भोंकने की बहुत आदत है, इधर आके यार एक मिनट स्पीक। अगर तेरे अंदर वो काम है तो मुझे तुझसे भी इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं वो कर रहा था। लड़कियों की तरह वो बिहेव करता है तू, तुझे मर्द को फेस करने की हिम्मत नहीं है तेरी। इधर ऐसा है तो साला बस यही है तू, हिजड़ा है हिजड़ा। मामू बनेगा बहुत जल्दी, फिक्र ना कर। हाँ हाँ हाँ, बहुत हंसी आई कुत्ते। साले तू बना हुआ है, कभी एक के उठाता है, कभी दूसरे के, कभी तीसरे के। तेरी बहन बची है ना? कि तू तेरी बहन बची है ना? चुप कर, चुप कर। बहन का नाम लिया, घुसेड़ दूंगा इधर ही। एक 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 अंदर एक बात बोलूं ना, घुसेड़ दूंगा इधर ही। चुप कर, मैं कह रहा हूँ साले, ये सारी कमरे में आके कह रहा था मुझे। कोई नहीं यार, बकवास करता है, गाली खुद खुला हुआ इसमें, गाली निकाल सकता है। नहीं यार, कहता क्या है, बैंक का नाम इसने लिया, मैंने नहीं लिया। बड़ा तू बना हुआ है, चल चल चल। सा नहीं है लड़कियों से लगाता है, इतनी है तो आ। अलीजे, आपको अरुसा ने क्या बोला था, निकालेगी क्या करेगी, कुछ बोला? नहीं, अरुसा ने आज सच तो कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन उसने कहा था कि जो कुछ भी होगा इट्स कल की तरह नहीं होगा। इसके अलावा अरुसा वाजंट रिवीलिंग वेरी मच, शी वाज वेरी वेरी सीक्रेटिव अबाउट व्हाट शी वांटेड टू डू। अच्छा, डबल स्टैंडर्ड नहीं किया उसने? नहीं। निशान, आप तो प्रिंस बन के गए, आपको पता था क्या होने वाला है, क्यों नहीं गिर सके? ये बंदा अपनी जुबान पर खड़ा रहने वाला नहीं है। क्या बोला इसने आपको? हम सब लड़कों को इसने बोला कि मैं तुम सब लड़कों को बचा लूंगा, तुम लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ इस बात की। सिद्रा, आपसे कुछ बोला? नहीं, यही बोला था जो इन्होंने बताया। अल्ताफ, आपसे कोई बात हुई? नहीं, खास बात में से कोई भी नहीं। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं, बस यही वाली बात हुई थी कि जो है ये गर्ल्स को मतलब सेव करना चाह रही थी रूसा के। इसने बोला था मैं गर्ल्स को सेव करूँ? उसने बोला था कि ये लड़के जो है आपस में खुद ही पॉलिटिक्स करते हैं। ये पहले इसने बोला था? हाँ। ये नुमान, आपको? मुझे कुछ नहीं बोला। जुनेद, आपको? तो सिर्फ अरसलान क्यों, क्या वजह है? ये I don't talk to her much. नहीं, सुहेल भी तो बोल रहे। सुहेल ने तो अपनी जुबान से मुकरने की मुकरता ही नहीं है ना वकार भाई। अच्छा? ये तो बड़ा अच्छा है, ये कहता जो है उसी पे उतरता है। अभी टोटली मुकर गया है, मुझे अंदर क्या कह रहा था यहाँ पे, आगे इसने क्या, और ऊपर से उल्टी बातें करता है। लड़कियों के सामने फेस कर सकता है, लड़कों को फेस करने की तो इसको आदत ही नहीं है लगता है पूरा। तू तो हिजड़ा है, तो औरत है। ओ, अगर तू मर्द है तो आना इधर है, इतना सा है तो नौकर नहीं, मैं उठ के आऊं। यही तो है ना, औकात नहीं तेरी। और तू जैसी तेरी बात है, बस तू है वही काम करने के लिए और कुछ नहीं। खरीदा नहीं हुआ मुझे यहाँ, कुत्ते की तरह औरतों के पीछे दुम हिलाता पूरे दिन को घूमता रहता है। तेरी शक्ल तो नहीं है, तू किसी फसाते यहाँ का? मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं है। मैं ही हूँ जो तुम अपने आप को समझते हो ना, तुम अपने आप को अगर कोई हीरो समझते हो ना, तो तुम्हारी औकात मैंने देख ली, सबने देखी है भाई, सबने देखी है। मैंने नहीं, सबने देखी है तुम्हारी औकात। तुम यहाँ तक नहीं आ सके, तुम तो यहाँ तक नहीं आ सके, तुम यहाँ पे काम पे कह रहे हो। तुम्हारी औकात देख चुके हैं हम, देख चुके। मैं तुझे हाथ भी नहीं लगाती, थूकती नहीं हूँ मैं तेरे पे, चल चल, मैं तेरे पे थूकती तक नहीं हूँ। शक्ल देखी तूने अपनी? प्रिंस और प्रिंसेस ने जो नाम लिखे हैं यहाँ पे, उनकी मैं वजह पूछता जाऊंगा, वजह बताते जाए काम हो जाएगा आपका। पहला नाम जुनेद, जुनेद किसने लिखा होगा? कुछ कह नहीं सकता जी। किसने लिखा है आप दोनों में से, किसका डिसीजन है? दोनों का। जुनेद को क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वो उसकी फिजिक इसलिए नहीं है कि वो यहाँ पे डेयर कर सके, इसलिए मैंने उसको निकाल दी। तो जब ही मुझ पे लाइन मार रही थी? हाँ, तो लाइन मारी तो अभी तुमने आई लव यू बोला था। हाँ। अच्छा, एक मिनट जुनेद, बोला तो एक मिनट, आप कितने बड़े? अभी दो मिनट पहले जब मैं सबसे पूछ रहा था आपसे, आप लोगों ने सुना था मैंने इससे क्या पूछा था? इन दोनों में से किसी ने आपको कुछ बोला तो उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त चाह रहे थे कि लाइन अगर मारी है तो अभी संभाल के रखूं।
मुझे उस वक्त सही मौका नहीं लगा था बोलने का। ओ, तुम्हें लगा कि अगर मैं शो में रहूंगा तो यार क्या तुम लड़के करने आए हो यहाँ पे? आपने अभी शो चल रहा है, चलो चलने दो। वोट आउट होते आपकी जुबान से पहली क्या बात निकली? अच्छा क्या हुआ, क्या था ये लाइन कब से चल रही है भाई? मैं अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ था सारे दोस्तों के साथ। कब की बात है ये? अभी थोड़ी देर पहले की। आज ही की बात है? आज की बात है। आज ही की बात तो आप भूल गए थे इतनी जल्दी? भूला नहीं था। अच्छा फिर क्या हुआ? तो ये आती है और मुझे कमरे से बाहर निकालती है, मुझे तुमसे कोई प्राइवेट बात करनी है। मैंने बोला था समझ में नहीं आया, मैंने बोला शायद ये बोलेगी कि तुम्हें निकालनी चाहती है एक्स वाई जेड। आके बोलती है यार मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ तो वो तुम हो। जब मैं यहाँ सबसे वन बाय वन पूछ रहा था तब आपने बात क्यों नहीं बोली? पगार पे मुझे सही मौका नहीं लगा। कितने बड़े बेवकूफ हैं, अगर आप पहले बोल देते तो इनके ऊपर घूम जाती बात। ये मुझे अभी तक के समझ में नहीं आया, इस बंदी को समझना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। देखने वाले को ये नहीं लगा कि आप इस गुमान में बैठे हुए थे कि चलो यार अगर आगे बात होगी तो सही है, इससे बात होती रहेगी। वोट आउट होते ही आपने बोला जी लाइन मारी है और आज ही मारी है। एक नाम हो गया जुनैद का, दूसरा नाम है अख्तर का। अख्तर का किसने लिखा है? दोनों ने लिखा है। अख्तर आपको क्यों निकाल रहे? पता नहीं, शायद मैं बहुत ज्यादा डेयरिंग लगता हूँ इसलिए। वैसे कोई बात तो नहीं हुई इन दोनों के दरमियान, मेरे दरमियान कोई वैसी बात नहीं हुई, यही रीजन है डेयरिंग है। कार्रवाई कुलसुम, कुलसुम ने कल मेरा नाम लिखा, आपको निशान नजर नहीं आया? अगर आपको लिखना था तो आप मुझे पहले बोला करें। आप मेरे मुंह पे आप अच्छी बनती हैं और उधर जाके आप निशान को बचाती हैं और मेरा नाम लिखती हैं। मैंने निशान को क्या बोला? क्या बोला आपने? मेरा नाम क्यों लिखा? मुझे उसकी रीजन चाहिए। जब बाकी लड़कियों ने नहीं लिखा तो आपने मेरा नाम क्यों लिखा? जुनैद अख्तर कुलसुम तीन लोग शो से जाएंगे, चौथा नाम अरसलान। ये तो इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। अरुषा ने लिखा होगा? हाँ मैंने लिखा है। आखिरी नाम है निशान। निशान का नाम की एक्सप्लेनेशन कौन देगा आप दोनों में से? वकार भाई इस बंदे की समझ नहीं आती, बिल्कुल समझ नहीं आती। ये बंदा मुझे कह रहा था लेकिन ये खुद इस तरह का है, क्योंकि उस दिन सब लड़कियों ने भी कहा था और ठीक कहा था। कहता कुछ है बेटा, तुझसे समझदार बंदा है वो। अबे तू चुप कर, चल चुप करके बैठ गया मेले। चुप कर, अबे जा छक्के बैठ। अबे तू नीचे बैठ, नीली पैंट पहन कर साले बैठने की एक लगेगी ना तो नीचे घुस जाएगा। चुप, चल चुप चाप बोल, तू तबियत से भौंक, चल। अबे चुप, बोलता नहीं। अच्छा, मुझे मारेगा? चुप हो जा, बच्चे पे चुप हो जा, छोड़ा यार इसे बोले यार, चुप हो जा यार, मैं इससे बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, चुप हो जा, तू छोटा है, चुप हो जा, चुप हो जा, मार ले आगे उस दिमाग की घंटी खिलाई अपना बंदे के पास। शाबाश शेर, निशान की बात करें गौर भाई, इसीलिए कहता कुछ है करता कुछ है और ऊपर से बातें ऐसी करता है मेरे बारे में। क्या कि यानी कि ये बंदा इस तरह का है जी कि लड़कियों में खुद इंटरेस्ट ले रहा है जी, हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं है, ये सब बैठी हैं, इस तरह का कोई कोई हाँ जी, ये लड़कियां जितनी बैठी हैं सुहेल ने किसी से गलत बात अगर की कोई है। गलत बात है तो ये मुझसे अभी पूछ सकती हैं, सब सामने बैठी हैं।
علیزے، ناز، صدرہ، ایلوی، سہیل نے آ کے کوئی غلط بات بولی ہے؟ نہیں، لیکن غلط بات نہیں کی. جنید، اختر، کلثوم، ارسلان، ذیشان. کلثوم پہلے اٹھ کے چلی گئی ہے. یہ چیز یہ شو کر رہی ہے کہ پرنس اور پرنسس نے اتنا گھٹیا بیہیو کیا کہ آپ کو ہارنے پہ مجبور کر دیا. آپ بھی جیتتے تو آپ بھی یہ کرتے، یہی کرتے. جی جنید، کیسا لگا یہاں تک؟ کیا چیز انفیئر لگی؟ کوئی بھی چیز مجھے ایسی نہیں لگی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر کچھ سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ شو کا سٹینڈرڈ ہے، وہاں پر ایک بندہ فٹ ہوتا ہے، یہ آدمی وہاں فٹ نہیں ہوتا، نہ ہی اس کیریکٹر کی عورت. اچھا تو بیٹھا ہوتا تو فٹ ہوتا. یار بکواس بند کر تو، بڑا آج دیکھو ان لوگوں نے اتنا پرووک کر دیا نا کہ تم بول پڑے. آج اس بندے سے یہ امید نہیں تھی کہ ایسی بات کرے گا. جو بھائی بھائی آپ کو بولتا ہے کرے، بھلے کوئی ایسا کام کروائے، سمجھ میں آتا ہے بندہ، مگر وہ اس طریقے کی چیزیں کرے گا. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ زندگی میں آگے کیا ہو سکتا ہے؟ ٹرسٹ کی تو دھجی اڑا دی یار تم نے. یار تو ادھر ہوتا کیا کرتا؟ یار میں یہ حرکت نہیں کرتا. اب مجھے پتا ہے تو کیا کرتا. میں واقعی میں حرکت نہیں کرتا. ہر بندہ اپنے لیے جیتنے آیا ہے، ہر بندہ اپنے سروائیول کے لیے آیا ہے. میں نے کہا تھا نا، یا تو شکار کرو یا شکاری بن جاؤ. آپ شکار بن گئے. اختر کیا ہوا یار؟ کمنٹس آپ کے سامنے، ان کی نظر میں میں ڈیرنگ ہوں. اگر آپ بھی یہاں بیٹھتے سامنے تو آپ بھی ڈیرنگ بندے کو. مجھے کچھ بھی نہیں لگ رہا. کوئی چیز تو نہیں لگتی؟ آڈیشن سے یہاں تک کی کواری کاٹی، آپ نے کون سی چیز زیادہ اچھی لگی، کون سی بری لگی؟ آڈیشن کا مجھے اپنا ویو اچھا لگا. ارسلان سٹی ڈیئرز میں جیتے، یہاں تک آئے، پہلا ڈیئر جیتے وقار زین کا، اتنے کنٹروورشل کیسے ہو گئے؟ کیوں نہیں کنٹرول کر پائے ان لوگوں کو؟ وقار بھائی بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہر کسی کی ایک اپنی نیچر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. میری کمپیٹیبلٹی نہیں تھی ان کے ساتھ کہ میں اس بیک گراؤنڈ سے بلانگ نہیں کرتا کہ میں آ کے. آپ کا ڈیئر بھی یہ تھا نا کہ آپ کو ہر قسم کی نیچر کے بندے سے کمپیٹیبل ہو جاتا. میں نے سب سے یہاں پہ بنائی ہے اپنی، سب یہاں میرے دوست ہیں. اور میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں خالی یاد نہیں جا رہا، میں وقار ڈین کا آفیشیل کوٹیشن بن کے جا رہا ہوں یہاں سے، اور ایک اچھی میموریز لے کے جا رہا ہوں. ذیشان سب فیئر تھا، اور اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں تک جو میں آیا ہوں صرف اور صرف اپنے امی ابو کی دعاؤں سے یہاں تک آیا، اور ان کی دعاؤں سے ہی بہت آگے تک جاؤں گا. ٹھیک ہے، ارسلان اور ذیشان آپ لوگ جا سکتے ہیں. جنید اور اختر، بہت اچھی طرح آپ نے کمپیٹ کیا، لیکن جو ٹارچر اس جگہ پہ شروع ہوا ہے اس میں پھنس گئے آپ. جنید اور اختر جا سکتے ہیں.
you guys actually ke Akhtar ko you guys eliminated for whatever reason lekin aapne usko idhar bulaya and wo banda bila jhijak idhar aaya he listened to you he did whatever you said usse aap logo ne double kaam karwaya usne jo date diya nahi kiya ek bhi nahi hua usse yaar nahi hua but aap is tarah kaise kyun think it's possible मतलब थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए टू अख्तर बिकॉज यू नो दैट ही इज डिजर्विंग एंड कॉम्पिटिशन में मजा नहीं है जब तक एक बार टफ का टेस्ट ना रोने की क्या वजह क्या हुआ है क्या हुआ है आपको क्यों नहीं निकाला अल्ताफ को क्यों नहीं निकाला ये नुमान पाशा को क्यों नहीं निकाला आप लोगों ने सुहेल लड़कियां जितनी भी थी वो आज सेव थी हमारी तरफ से हाँ ये हम दोनों की मैं वैसे ही इनको कह रहा था जाके कि इस बात पे सिद्रा मुझे थोड़ा गुस्सा हो गई थी नहीं, आप कौन होते हो इस बात पे नहीं हुई थी मैं गुस्सा इस बात पे हुई थी कि इन्होंने कहा कि मैं प्रिंस हूँ तो मैंने बोला आप प्रिंस है तो क्या मैं आपके जूते साफ करूं मैंने ऐसी बात बोली तो नहीं है ना मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला तो मुझे इस बात पे गुस्सा आ गया मैंने आपसे कोई बदतमीजी की नहीं आपने बदतमीजी नहीं कोई इस तरह की बात की कि मेरे जूते साफ करूं इस तरह की कोई बात नहीं इन्होंने इस तरह कहा तो फिर इस बात पे मुझे गुस्सा आ गया प्रिंस और प्रिंसेस जो भी होते हैं उनको एडवांटेज इसलिए दिया जाता है की वो देर नहीं कर सकते उनको एलिमिनेट करते हैं प्लस उनके पास आपने ये पावर दी होती है की आपके पास ये भी राइट है की आप जो ज्यादा डेयरिंग बंदा है उसको भी वो हम पे डिपेंड आप कहते हैं कर सकते हैं इसलिए हमने ठीक है यू गाइस हैव अथॉरिटी एंड यू कैन यूज इट हाउएवर यू वांट टू लेकिन एक डिजर्विंग कैंडिडेट को एलिमिनेट करना जस्ट बिकॉज ही समहाउ इंटिमिडेट्स यू बिकॉज यू कैन नॉट चैलेंज हिम और व्हाटएवर दैट्स नॉट राइट अच्छा मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा सबसे ज्यादा वोट के लिए आए हुए ऑब्वियसली लड़कियों में से भी दिए होंगे किसी ने यही वजह है वकार भाई सुहेल का नाम क्यों लिख दिया वो तो डेरिंग है अरूसा का लिख देते आप लोग अगर सुहेल निकलता भी तो ये भी तो एक डेरिंग आदमी जा रहा होता ना मुकाबला जिसने जीता हुआ है वो जा रहा होता क्यों अल्ताफ जी बिल्कुल सही कहा आपने इसमें और अख्तर में कितना फर्क है आप मुझे ये बताएं ये विनर है वो लूजर है आज दैट्स द डिफरेंस ही वाज द सेकंड सेकंड को कौन याद रखता है जो इस शो का विनर होगा उसको याद रखेंगे लोग उसको पैसे मिलेंगे उसको टाइटल मिलेगा उजैर एलवी अलीजे आप लोगों ने सुहेल का नाम लिखा है आपसे वोट कराने का मकसद ये था कि मैं देखूं कि आपका दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा आप लोग भी तो डेरिंग इंसान को ही निकाल रहे थे आप किसको निकाल रहे थे आपने तो अरूसा का नाम नहीं लिखा आपने किसका नाम लिखा अलीजे किसका नाम लिखा आप सबने सारे वोट तो गिनती के दो तीन वोट अरूसा के हैं बाकी सब सुहेल के सुहेल और अख्तर में क्या फर्क है मुझे सिर्फ ये बताते हैं भाई ये विनर है वो विनर नहीं है तो डेयरिंग ये हुआ वो नहीं हुआ एक कॉन्टेस्ट में जो जीतता है उसको डेयरिंग कहेंगे ना जी नोमान आपने किसका लिखा था नाम सुहेल का क्यों डेयरिंग है मतलब आप समझते ना सही निकाला है मौका इनको मिला इन्होंने निकाल दिया आपको मौका मिल रहा आप किसे निकाल रहे थे उजैर आप किसे निकाल रहे थे सुहेल को क्यों ये भी तो डेयरिंग है जीत के आया ना नहीं मुझे पता था प्रिंस और प्रिंसेस एलिमिनेट इस तरह नहीं होंगे अच्छा नाम तो लिखा ना आपने तो रूसा के लिख देते फिर आप लोग किसे निकाल रहे थे जिससे आपको सबसे ज्यादा थ्रेट है कि यार ये बाद में चल के हमें हरा देगा उसने अगर अख्तर को निकाल दिया तो एलवी को भी मसला है अलीजे को भी मसला है उजैर को भी मसला है तो फिर यहाँ रूसा लिखते आप लोग फिर खेलने आए ना सब रूसा लिखते फिर तुम भी तो डेयरिंग बंदे को ही निकाल रहे हो यार तुम सब मिलकर रूसा का नाम लिखते लेकिन उसने तुम्हें क्योंकि घेर लिया कि यार मेरा नाम नहीं लिखे हैं मैं तुम लोगों को लड़कियां साथ रखूंगी लड़कियां साथ रखूंगी इसलिए तुम लोग खुश हो गए तो बेवकूफ आप लोग बन रहे हैं खैर बहुत लंबी बात हो रही है क्लियर चीज ये है कि प्रिंस और प्रिंसेस ने उखाड़ के फेंक दिया जितने भी लोग थे अब जो भी कुछ है पूरी रात आराम से आप लोग जाके सोने की कोशिश करें और सोचें कि आप लोगों को आगे क्या करना है अलीजे ने रोक लिया कसम से मुझे मारने के लिए आता था मैंने मुक्का बनाया मैंने लाल करके बदोरों शक भी हो गया था जब उसने मैं बुला रहा था जा नहीं रहा था मैंने चल बेटा जोर से थप्पड़ खाया मैंने
कसम खुदा उसके बाद मुझे जाना चाहिए। आपको भी निकाल दिया? और निकाल दिया। कोई बात नहीं, किसी और में दो पोजीशनें संभाल लेना, यहाँ से आपके मोर्चे खत्म हो गए। ये वाकई में बहुत बुरा घर है, बहुत बुरा गेट हो गया, बहुत बुरा पार्टी की पार्टी। अगर ये इसकी किस्मत ने साथ दे, किस्मत ना साथ दे, खाने की तरफ आ जाए कसम से। बाहर निकालेंगे तो ये सब करने की क्या जरूरत है? नहीं था ना, मेरे को पता, उन लोगों ने मुझे कह दिया था भाई तुम साइड में हो, तुम नहीं हो, मुझे क्या पता। अभी उनपे गुस्सा करेंगे? क्या क्या कर लिया तुमने? यू आर पठान, यू आर गाइज वेल अब यार मुझे बात करो ना, मैं तुम्हें अपना वो करूँ, हाथ से मारना। मैं नहीं छोड़ने वाली उसे। कैसे की थी? देखो पहले मैं उसको गाली दे रहा था, वो मुझे गाली दे रहा था, जब वो मेरे घर तक गया उसने मुझे की गाली दी थी, तब मुझे उस पर गुस्सा आ गया। उससे पहले निकालना तो ये चीज होता है, चुप हो जाएगा उसका। मैं कह रहा हूँ बोल दिया, चुप हो जाए तो मैं नहीं चाहेगा कुछ हो जाए ना। उससे बोल दिया ना कि चुप हो जाओ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप उसकी क्यों ना रहे हो? मैंने कोई नहीं होना, मैं कहा कि कुछ ना हो जाए। क्या हुआ जनाब? मतलब मैं चाह रहा था कि इनकी लड़ाई ना हो। जुनाद मुझे कहते तू कौन है, तू कौन है? मैं अबे चुप रहो है ढक्कन, कहते तू कौन है? मैं कह मैं हूँ, पहचानते नहीं तू कौन है? बदमाशी करने लग पड़ा। मैं अभी तू बच्चा है, एक दो मारूंगा तो फिर बेदू कहकर बच्चों का मारे, बच्चा अपना काम कर। बेटा बात तो दी इनसे आना ना। देख लेंगे ना, तुझे दिखाऊंगा किसी चीज में भी। आप, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, माफी मांगने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे, सही है? बाबे मामी कैसी है मेरी? तुम्हारा बाप नहीं हो तो अपना तुम्हारे मैं इसको कोई सीरियस थोड़ी देता हूँ।
मतलब इससे पूछना चाहता हूँ, इसका मेरा नाम कैसे ले लिया? डेयरिंग क्या तू मेरे को डेयरिंग अगर नहीं समझता तो क्या तू डेयरिंग नहीं है? देख बता तो सही क्या डेयरिंग नहीं है क्या? नहीं नहीं मुझे बता तो सही डेयरिंग है क्या? नहीं नहीं बता बता यार आप तो डेयरिंग है initiating launch operation. Altaf, Altaf Khedar, Dono Khana, Wakar Shotatel Gatan Khud Archa Shokte, Khuda da Zama Haq Te, Aza Akhpal Haq, Akhpal Plar Tam Napreka. Hi, this is Eliza from Karachi, and I believe that a person who does not have something worth dying for is not fit to live. And I'm here to snatch the title right under their noses. Milano. सिद्रा मलानो नाम है उसका जो लड़कों को पीटने के लिए पैदा हुई है। फुटबॉल को किक करने से ज्यादा मजा मुझे पता है किस चीज में आता है। तुम लड़के समझ तो गए होगे। Hi, this is Flank but from Lahore. If you ever take me easy, you'll be flunk. Bablu, Bablu, Bablu. मैं हूँ पाशा नुमान पाशा फ्राम शक्करगढ़। लाइन तो सुनी होगी। साइज डज मैटर। वकास डैन में जिसने भी हल्का लेने की कोशिश की उसको मुंह की खानी पड़ेगी। I'm sexy and I know it. Hey, this is Harrison from Karachi. When I'm good. When I'm bad, I'm excellent. Assalamu alaikum. मेरा नाम है जुनेस औरस खान और वकार जैन में लड़कियों को हराने के लिए मेरे लुक्स ही काफ़ी हैं और लड़कों के लिए मेरा दिमाग। Hey, this is Veena Shasan from Karachi. कौन कहता है कि boys are like dogs? कुत्ते इनसे हजार दर्जे बेहतर होते हैं और मैं वकार जैन सिर्फ और सिर्फ लड़कों की बजाने आई हूँ। कश्मीरी हारना जितना ते अल्लाह ने आती चाहे कि कौन हार सी ते कौन जीत सी लेकिन वकार्स डेन जितने भी लल्लू पंजू ते टकने ना इन्होंने ओ हाल कर सा कि सारी जिंदगी इस सोहेल कश्मीरी की याद रख सा। सोहेल आज़ाद कश्मीर को Hey, this is Elvis from Sri Lanka, and I know I'm gorgeous plus sweet. अगर वकास डेन में सब समझते कि मुझ में यही दो क्वालिटीज हैं तो बहुत बड़े गधे हैं वो। सलाम मैं हाँ लोहरी मुंडा जिशान भट्ट तो मैं कढ़ देंगा इतने सब दे वट। एक और गल जेड़ा भी मेरे ते शो दे टाइटल दे दरमियान आएगा वो कार जाएगा। Hello, my name is Arusa Amar. I'm from Rawalpindi. I know I'm really funny and I just love to be playing in a funny way. But, a big but, my funny nature will soon everyone staying up because then shake that Akhtar mera naam hai Akhtar aur main Karachi se hu Wakar dance mein main un ka muh kala karne aaya hu jo samajhte hain ki patano ka dimag nahi chalega aaj is patan ka dimag bhi chalega aur aaj aisa chalega ki sabki akal tikane aa jayegi who's bad hey this is Naz Khan नाज खान फ्रॉम दुबई। लाइफ में जीतने के लिए मैंने बड़े बड़ों को उल्टा लटकाया है। वकार्स डैम में जो लोग आए हैं ये तो अभी बच्चे हैं, इनके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। मैं हूँ कुलसुम जबीन, पहुंची हूँ
وقار ٹین جہاں پر چیلنجز ہیں میرے منتظر. مقال علامہ اقبال کے منزل ان کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے, منزل ان کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے, پر اسے کچھ نہیں ہوتا, حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے. فرام